हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हो आप लोग। दिन है आज का 8th ऑफ जून। टाइम है अभी 5:10 और मोस्टली आज एक्सपायरी का टाइम था और मार्केट जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्पॉट कर सकते हैं इंडेक्स के केस में। आप ये दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी अपार्ट फ्रॉम स्टॉक यू कैन ईजिली फिगर आउट लाइक वेयर टू लाइक टेक नेक्स्ट मूव। सो करना ये आपने ये है कि स्टॉक को इस मोड पे आपको इंडेक्स पे सिलेक्ट करना है। तो और यहाँ पे निफ्टी जो सिलेक्ट भी इंडेक्स सिलेक्ट है उसको रहने देना है यहाँ पे। फिर रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है और एक्सपायरी का टाइम था, तो ये इंट्रेंसिक वैल्यू तो थे ही नहीं, इसलिए आपको कंप्लीट ये आपको फील्ड दिख रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपायरी में यहाँ पे काफ़ी इंट्रेंसिक वैल्यू जो आप है वो देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे करना है। तो इजीली आप मार्केट जो क्लोज़ हुआ है -92 पॉइंट्स 18635। तो आज का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो था लास्ट मिनट पे वो था 18650 एंड 8600। और जो आप देख पा रहे हो कि सेंटीमेंट जो कह रहा है यहाँ पे कि ओवरऑल नेगेटिव ही है यहाँ पे, बिकॉज 56% जो कॉल साइड पे ये पोजीशन खड़ी हुई है। दैट मीन्स और आज की डेट में जो है सबसे ज़्यादा जो अनवाइंडिंग हुई है वो पुट साइड पे हुई है। तो इसी तरीके से आप इसमें बैंक निफ्टी भी चेक कर सकते हो। तो ये रिफ्रेश होता रहता है जब तक आप इसको चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी भी देख सकते हो, इसको कहीं भी आप इसको स्टॉप कर सकते हो और यहाँ पे आप निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेम केस रिफ्रेश किया हमने, तो ये 14,000 14,000 44,000 44,000 जो दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, और मार्केट भी उसी के आसपास ही क्लोज हुआ है 43,995। तो एक्यूरेट मतलब जो भी आप स्ट्रेटजी अपनी मेकिंग कर सकते हो, यहाँ 56% कॉल टेक करें यहाँ पे, तो इसी तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं लाइव मार्केट में। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्सपायरी है वो आज की शो हो रही है और आपका इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे फिल्ड दिखा रहा है। तो ये कल मॉर्निंग में जैसे फ्राइडे या कल ओपन होता है जैसे 9th ऑफ जून पे जैसे ही आते हैं हम लोग, तो ये डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे बैकेंड पे ये अपडेट हो जाएगा, ये नेक्स्ट एक्सपायरी में मूव हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट एक्सपायरी में जो भी आपकी जो एनालिसिस है क्या कहती है। तो उसके लिए मॉर्निंग में आके सबसे पहले आपको फैच करना है, और फैच करने से क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका जो डेटा होता है वो बैकेंड पर अपडेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपायरी चार्ट्स जो भी है बैकेंड पर सब कुछ जो डेटा अवेलेबल है वो सबको अपडेट हो जाता है, ताकि आपके पास अप टू एट रियल टाइम डेटा आता रहे यहाँ पे। बैकएंड पर जो हिस्टोरिकल डेटा जो जो भी है वो बैकएंड पर अपडेट हो रहा है। और ये टूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं कि डायरेक्शन क्या होने वाली है। आप इजीली आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है, या जाने के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, और उसी हिसाब से आप अपनी मतलब जो पोजिशन है वो प्लान कर सकते हो। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।